अभी हम लोग ने कुछ लिक्विड हमारे पास, तो लिक्विड के डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग लेयर बनाएंगे। लोअर डेंसिटी वाले लिक्विड ऊपर आ जाएंगे और हायर डेंसिटी वाले लिक्विड नीचे आ जाएंगे। तो लिक्विड के डेंसिटी अकॉर्डिंग हम लोग दो तीन लेयर यहाँ बनाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हनी है ना, शहद है, जिसकी जो कि हायर डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है। अभी हमारे पास एक ये वाटर कलर है, जिसमें हम लोग वाटर में कलर मिलाए हुए हैं जो आपके सामने है, और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं और ये डबल लेयर बना है जो आपके सामने है। हनी हायर डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे है, और उससे कम डेंसिटी वाले कलर है वाटर है उसमें वो ऊपर है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे। ये थिनर वायर है, थिनर जो आप लोग पेंटिंग में यूज करते हैं उसकी यूज हम लोग करेंगे, जो काफी लो डेंसिटी वाला चीज है। ये ऊपर आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री लेयर लगभग बना हुआ है। इसमें हम लोग और एक ऑब्जेक्ट मिलाएंगे लिक्विड, ये है डिटॉल, जो कि ये भी काफी लो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें अल्कोहल की क्वान्टिटी होती है जो आपके सामने है, और ये हम लोग ये लिक्विड और इसमें मिक्स करेंगे, और आप देखेंगे इसमें थ्री लेयर का कंसंट्रेशन बनता है। ये डिपेंड करता है लिक्विड के डेंसिटी पे। हायर डेंसिटी वाला यहाँ पे हनी है जो कि सबसे नीचे सेटल डाउन हो गया है, बीच में आपका कलर है, ओके, वाटर इसमें मिक्स है, जो मिडिल डेंसिटी वाले हैं, और थीनर एक वायर है जिसको हम लोग पेंटिंग वगैरह में यूज करते हैं, वो तो काफ़ी लो डेंसिटी वाला है जो ऊपर है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं और लो डेंसिटी वाला एल्कोहल है जो कि डिटॉल में अवेलेबल है। इस तरह से फोर लेयर बनता हुआ लिक्विड का अकॉर्डिंग टू डेंसिटी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।